अच्छा जी, बात हो रही थी बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, अच्छा टॉपिक कुछ इस तरीके से चलेगा कि मैं हेडिंग डाल दूं सबसे पहले। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये हमारा टॉपिक है, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। और इसमें जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो हम ग्रुप 1A के लिए करने वाले हैं कि ग्रुप 1A के हवाले से क्या मामलात हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में प्लेस क्यों किया जाए। ठीक है, क्या वजह है कि हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में प्लेस करें। तो आप में से कोई मुझे अगर कोई एक भी वजह बता दे तो जरा अच्छा हो जाएगा कि आपको क्या लगता है कि क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में प्लेस करना चाहिए। देखो, पांच चार पांच छह पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको प्लेस कर सकते हैं, यानी कि चार पांच छह सिमिलैरिटीज आती हैं। आप में से कोई अगर मुझे कोई एक आधी बता दे तो अच्छा होगा। सर, हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप आवाज वन ए बहुत के भी हल्की आ रही है लास्ट ना। है। हाइड्रोजन के शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप वन ए के भी लास्ट शेल में। तानिया रिपीट कीजिएगा बेटा, आवाज पता नहीं क्यों बिल्कुल हल्की आ रही है। तानिया रिपीट करें बेटा। सर, मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप वन ए के जो मेंबर्स होते हैं उसके भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी गुड वेरी गुड, ये पॉइंट, पहला पॉइंट बिल्कुल सही आपने बताया। यही पहला पॉइंट है कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो सेम है। हाइड्रोजन में भी देखा जाए तो 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम की देखा जाए तो 1s2, 2s1, ये भी 2s1 पे खत्म हो रहा है। फिर सोडियम पे देखो तो 1s2, एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका, 3 होता है, 2s2, 2p6, 3s1। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही है? सेम ऑर्बिटल पे, यानी एस पे खत्म हो रही है और सेम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्या हो सकता है? इसके अलावा, अच्छा कॉन्फिगरेशन जो है एंड्स एट सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि एस पर खत्म हो रही है, तो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड्स, ये स्टेबल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। मतलब क्या है कहने का, देखो वाटर का एक ऑक्साइड क्या है, यानी कि हाइड्रो सॉरी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड क्या है, वाटर। जब ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये होता है H2O, ये काफी स्टेबल होता है। सेम इसी तरीके से एक और ऑक्साइड होता है Na2O, इसी तरीके से होता है Li2O। हर कंपाउंड, कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है, किस हद तक स्टेबल है, इसकी ना हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो स्टेबिलिटी जब कैलकुलेट की गई तो ये पाया गया कि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है, यानी कि ये, और अल्कलीज के जो ऑक्साइड है, यानी कि Na2O और Li2O, ये ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी काफी करीब करीब है, यानी कि फर्क नहीं है। लाइक अगर इसकी स्टेबिलिटी का नंबर फॉर एग्जांपल 10 है, इसका हो सकता है 10.2 हो, इसका हो सकता है 9.8 हो, तो इनकी वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब करीब होती है। इस वजह से कंपाउंड एक जैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक जैसे नेचर के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें सिमिलैरिटी है। फिर चौथी जो वजह है कि हाइड्रोजन और अल्कलीज के जो कंपाउंड होते हैं हेलोजन्स के साथ, वो आयोनाइजेबल होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेबल होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं।
इसका क्या मतलब है सर? बेटा इसका मतलब बहुत सिंपल है, देखो हाइड्रोजन और अल्कली का यानी हेलोजन का एक कंपाउंड है HCl, इसको पानी में डालो तो हमें पता है कि पानी में इसके जाने पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में टूटता है। सेम इसी तरीके से अगर NaCl हो, इसको पानी में ऐड करूं तो सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर अगर LiCl हो, इसको पानी में ऐड करो तो ये भी पानी में जाकर Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो अगर गौर करो तो तीनों ही कंपाउंड्स आयोनाइजेबल हैं। आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड बेटा जो आयंस में टूट सके, जो आयंस में तब्दील हो सके, उसे आयोनाइजेबल कहते हैं। अच्छा एक बात मेरी हमेशा याद रखना, पिछले साल चैप्टर 7 में भी एक बार यही बात बताई थी मैंने कि जो चीज आयोनाइजेबल होती है यानी कि जो चीज आयंस में कन्वर्ट होती है वो लाजमी तौर पर इलेक्ट्रोलाइट भी होती है। जो चीज आयोनाइजेबल होगी वो इलेक्ट्रोलाइट भी होगी, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में अपने अंदर से करंट पास करने की सलाहियत रखती होगी, ठीक है। और जो चीज आयोनाइजेबल नहीं होगी यानी कि वो उसको आप आयंस में नहीं तोड़ सकते, तो वो चीज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होगी। तो ये शर्त है कि इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये शर्त है कि अगर कोई चीज आयोनाइजेबल है तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगी लाजमी तौर पर। ये बात पर इसलिए जरा गौर कर रहा हूं क्योंकि एप्टीट्यूड में इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। देखो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को जो मैं पढ़ाता हूँ, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ाने का मेरा तरीका यही है कि मैं इधर उधर की बातें बहुत करता हूँ, थोड़ा एप्टीट्यूड का करिश्मा भी सामने रखता हूँ। उसकी एक खास वजह है, उसकी वजह यह है कि एप्टीट्यूड में इस तरह की बात, एप्टीट्यूड को जो मैं लिंक करता हूँ ये कि देखो अगर तुम लोग के इंटर के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं ना तो एप्टीट्यूड कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर इंटर के कॉन्सेप्ट में भंड है ना, इंटर के कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो फिर एप्टीट्यूड डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पढ़ना भी यानी तैयारी करना भी और फिर एग्जाम देना, क्योंकि एप्टीट्यूड सिस्टम में कोई बहुत डिटेल क्वेश्चनिंग नहीं आती, वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो हम पूरे डिटेल सवाल याद करते हुए याद भी नहीं रखते। तो इसलिए जरा उस पैटर्न के लिहाज से भी मैं चीजों को समझाता हूँ, तो इससे ये कि स्टूडेंट्स का एक एप्टीट्यूड का माइंड मेकिंग भी हो जाती है, एक एप्टीट्यूड की उनकी प्लानिंग भी हो जाती है क्या कि वो किस तरीके से उसको करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से ये आ गई आपकी बात अगली। अच्छा एक पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव 1 होता है, लिथियम पॉजिटिव 1 होता है, तो दे ऑल आर यूनिवेलेंट एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक तो ये यूनिवेलेंट होते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, कहने का मतलब मेरा ये है कि दे हैव टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत इनमें होती है। देखो H पॉजिटिव या Na पॉजिटिव कब बनता है, H पॉजिटिव या Na पॉजिटिव तब बनता है सर कि जब हाइड्रोजन का एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या सर सोडियम का एक एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो सर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के लूज होने की बात होगी तो हमेशा हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, वो चीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगी। लव्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ही यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, सही है, बात समझ में आ गई बेटा? जी सर, कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर इसमें है तो पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें फिर इसके ऑब्जेक्शंस की तरफ चलेंगे। देखो ये थी जस्टिफिकेशंस, यानी कि इन 5 पॉइंट्स में मैंने ये बताया है कि व्हाई हाइड्रोजन शुड बी प्लेस इन दिस ग्रुप, हाइड्रोजन को इस ग्रुप में क्यों प्लेस किया जा सकता है, क्या सिमिलैरिटीज हैं इनके बीच में। अब दूसरा जो अगला जो इसके साथ ही है वो ये कि हम हाइड्रोजन को इस ग्रुप में प्लेस क्यों नहीं कर सकते, यानी कि ऑब्जेक्शंस पहले ये कर लो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सर। ले लिया।
ठीक है बेटा, गुड। अच्छा स्क्रीनशॉट जो हमारा प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है बेटा व्हाट्सएप का, उसके ऊपर जरा शेयर कर लिया करें प्लीज। रोजाना डेली बेसिस पे मुझे बोलना पड़ता है अक्सर कि स्क्रीनशॉट शेयर कर लो, स्क्रीनशॉट शेयर कर लो। बिना बोले आपस में शेयर कर लिया करो, हो सकता है कोई ले रहा हो कोई नहीं ले रहा हो, ये कि एक चीज सबके पास पहुंच जाएगी। लिहाजा स्क्रीनशॉट के मामले में जरा सा बेटा थोड़ा एक्यूरेट रहा करें प्लीज। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्शंस की कि हाइड्रोजन ग्रुप वन में ना रखने की वजह, हाइड्रोजन को इसके पीछे ऑब्जेक्शंस क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है आपकी नजर में, कुछ भी कोई पॉइंट आ रहा हो सर? ये गैस है। वेरी गुड, हाइड्रोजन is a gas, computer, और alkalis जो हैं, यानी कि सबकी बात कर रहा हूँ, जब लव्स alkalis कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium सबकी। alkalis जो होते हैं वो solids होते हैं। अच्छा सिर्फ यही एक फर्क नहीं है, एक और भी है जो इसके साथ associated है। Hydrogen gas के साथ साथ non-metal भी तो होती है, और अल्कलीज सॉलिड के साथ साथ मेटल्स भी तो होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत वाजे फर्क है, कहां मेटल और कहां नॉन मेटल की कहानी। इनको आपस में कभी भी कोरिलेट नहीं कर सकते। मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर नॉट, तो डिफरेंसेस तो यही क्रिएट होना शुरू हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा अभी तक कोई सवाल इस पहले पॉइंट से रिलेट करते हुए? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई और पॉइंट है जो आप बता सकते हैं जो आपके ज़हन में हो? इसके अलावा सर अल्कली मेटल्स शायद से फाइनल आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ना? वेरी गुड दानिया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है, और बिल्कुल ये फर्क है कि हाइड्रोजन जो है बेटा वो 99% जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और अल्कलीज जो होते हैं, इसको साथ लिख लेता हूँ ताकि एक साथ आए, अल्कलीज जो होते हैं वो तकरीबन 99% आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फर्क है कि अगर इनकी नेचर सेम है तो इनके जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन कंपाउंड फॉर्मेशन एक जैसी नहीं होगी। वेरी गुड दानी, अच्छा पॉइंट था। तो अच्छा किसी को इस पॉइंट में कंफ्यूजन सेकंड वाले में, या कोई परेशानी, कोई सवाल, एनीथिंग? नहीं सर। ठीक है, वेरी गुड। तो तीसरा पॉइंट, अच्छा दो आपने बताएं, कोशिश करें शायद कोई और पॉइंट भी जहन में आ जाए, हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क, ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखो जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, प्लस वन, कभी चेंज नहीं हो सकती। और हाइड्रोजन की जहां तक बात करेंगे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, हाइड्रोजन प्लस वन भी हो सकता है, हाइड्रोजन माइनस वन भी हो सकता है, बट अल्कलीज हमेशा प्लस वन होंगे, माइनस वन हो ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया, वेरी गुड दानिया। अगेन डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ये पॉइंट हमारे नोट्स में भी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड है। गुड, चलें तीन हो गए, चार, अगला बताएं कुछ सोच के, क्या लगता है और क्या तगाफुल हो सकता है दोनों के दरमियान?
नहीं आ रहा कोई पॉइंट जेन में? सर हाइड्रोजन को अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जबकि अल्कली मेटल्स को सात चाहिए होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताया। हाइड्रोजन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट शेल, शेल को कंप्लीट करने के लिए, जबकि अल्कलीज रिक्वायर 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट शेल, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इनको। बहुत अच्छे, वेरी गुड तानिया। चलें अगला बताएं कुछ। क्या हो सकता है अगला पॉइंट? नहीं आ रहा ध्यान में? नो सर। चलो गुड है, चार भी आ गए, बहुत है। मतलब मुझे उम्मीद चार की भी नहीं थी, शायद एक के बाद पूछता भी नहीं आगे, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। वेरी गुड, मैं इस पे बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि तीन पॉइंट्स जो बताए सर। अल्कली नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड्स बना सकते हैं? अल्कली बिल्कुल बनाते हैं ना बेटा, जैसे अभी वो हमने देखा था ना NaCl, LiCl, तो जो Cl है वो नॉन मेटल है ना, हेलोजन, और अल्कली मेटल। सही सही सर, ठीक है जी जी। अच्छा पांचवा पॉइंट मैं बता देता हूँ, डिफरेंस इन आईपी वैल्यू। आईपी वैल्यू, अच्छा आईपी क्या है? आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कहते हैं। मुझे बताइएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है, वैल्यूज नहीं पूछ रहा हाइड्रोजन की या अल्कलीज की, होती क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, देनी पड़ती है, उस एनर्जी को सर आईपी वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हाई आईपी वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि हाइड्रोजन की मैं लिख लेता हूं यहां पर, हाइड्रोजन की हाई आईपी वैल्यू होती है, और कितनी होती है? ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छी खासी होती है। जहां तक रहा सवाल अल्कलीज का, तो अल्कलीज की लो आईपी वैल्यू होती है, अल्कली बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो इसकी आईपी वैल्यू जो है वो मेरे जहां तक ख्याल है 33.4 से लेके 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है तब की ओवरऑल। ठीक है, अच्छा इससे एक बात और है, इससे एक पॉइंट और रिलेट कर रहा है तो मैं भी बता देता हूं। जब मैं सिमिलैरिटी बता रहा था, तो सिमिलैरिटी बताने के दौरान मैंने एक पॉइंट लिखा था जिसमें लिखा था H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यूनिवेलेंट एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अभी लिखा है वो थोड़ी देर पहले पॉइंट, याद है वो पॉइंट? जी सर। ठीक है ना, तो उस पॉइंट से मैंने क्या बताया, उस पॉइंट से मैंने ये बताया कि दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब यहां पर जो सिनेरियो तुम देख रहे हो, उस सिनेरियो के हिसाब से तुम्हें तुम्हारे जहन में सवाल नहीं आया कि सर देखें आपने सबको H पॉजिटिव लिखा, हमने सबको पॉजिटिव लिखा, हमने मान लिया, आपने बताया सब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, हमने मान लिया। लेकिन सर यहां पर तो देखें ना मुश्किलात है ना, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, इनका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो अगर वो जो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन को देखा जाए तो वहां तो सर गड़बड़ नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है गड़बड़, ये बात मैं बता दूं कि गड़बड़ हो सकती है बेटा। अगर आपके जहन में ऐसी बात आती है तो बिल्कुल सही आती है कि एक तो ये हाई आईपी वैल्यू की वजह से इसको एच पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव बनाना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सबको आप आसानी से पॉजिटिव बना सकते इलेक्ट्रॉन निकाल के, हाइड्रोजन को मुश्किल होता है। दूसरा, हाइड्रोजन का जो ये एच पॉजिटिव होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, और जो अल्कलीज का जो आयन होते हैं लाइक सोडियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, या पोटेशियम पॉजिटिव, या रुबिडियम पॉजिटिव, या सीजियम पॉजिटिव,
या फ्रेंशियम पॉजिटिव, ये जितने भी पॉजिटिव होते हैं ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी की वजह यही होती है क्योंकि इनकी आईपी वैल्यू कम है। आईपी वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं। देखो, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये ना कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में खुश है, इसकी आईपी वैल्यू ज्यादा है, यानी ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में खुश नहीं है। जब ये खुश नहीं है तो ये अनस्टेबल है, ये खुश है तो ये स्टेबल है। सही है बेटा, बात समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? जी सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट बेटा डेली क्लास के बाद ग्रुप पे शेयर कर दिया करें। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये है कि कल से आपकी छुट्टियां पड़ जाएं कोचिंग की, तो आज की शायद हमारी इस वीक की लास्ट क्लास होगी, बाकी शायद आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात हो। तो आप सबको मेरी तरफ से, आपके आपको आपके घर वालों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, पार्टी हार्ड, और ये ईद जज़ाकअल्लाह बेटा, और ये ईद बड़ी ईद है माशाल्लाह, खाने पीने वाली ईद है। तो बस खाने पीने में एक चीज का ख्याल रखना कि जिस पेट में तुम खाओगे वो तुम्हारा अपना जाती है, किसी का मांगा हुआ नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी और की चीज होती है ना तो हम कदर नहीं करते, अपनी होती है तो कदर कर लेते हैं ना। तो पेट को अपना समझ के खाना जो भी खाना, क्योंकि जरा मामला बिगड़ जाते हैं। बाकी माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को खुश रखे बेटा सबको, और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको, आपके घर वालों को मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।